Hello everyone, very good evening. In India side में very good evening. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 21st century awards के लिए मुझे नामित किया गया है और मैं आज 21st century award के लिए नामित होकर बहुत ही proud feel कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी जगह पे मैं नहीं आ पा रही हूँ और मेरी जगह पे कोई अगर अवार्ड लेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं प्रीति राणा और तरुण गुलाटी जी को ये सेट बनाने के लिए जो अवार्ड का ये पूरा यहाँ पे जो सेट बनाया है वो बहुत ही अच्छा बनाया है और मुझे उम्मीद है और ये काम भी बहुत अच्छा है कि जो लोग अच्छे अपने अपने क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको इस तरीके के अवार्ड दे करके उनको उनके उनकी और भी आप हिम्मत को बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा काम है और इसके लिए बहुत ही मैं आप सबकी आप दोनों जन की आभारी हूँ और इस तरीके का काम आगे करते रहें और मैं आगे और क्या बोलूँ कि बस मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा जो आगे का एम है माउंटेन क्लाइंबिंग साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा अपना टारगेट तो मैं पूरा कर ले रही हूँ लेकिन समाज के लिए क्या, तो मैं ऐसे बच्चों पे काम करती हूँ जो डिफरेंटली एबल्ड्स हैं और जो अपने पैरों से पूरी तरीके से नहीं चल सकते हैं, कहीं किसी का हाथ का प्रॉब्लम पैर का प्रॉब्लम, तो उनके बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, सोसाइटी के लिए मैं काम करती हूँ, उनको रहना खाना पढ़ाना स्किल डेवलपमेंट को उनको ट्रेन करके और उनको प्लेसमेंट दिलाना एक 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 नौकरी के लायक बनाना जिससे वो सेल्फ डिपेंड होकर अपने ऊपर होकर के वो अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सके। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करते हैं जो करीब अभी हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन कराते हैं, जो करीब अभी हम लोग 3.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, अभी आगे भी हमारा टारगेट से 2020 तक का है, करीब 13 लाख लोगों का उम्मीद है कि 2020 तक में हम और 2020 तक हम उनको 13 लाख लोगों को हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगा पाएंगे। और एक बार मैं फिर से तरुण गुलाटी और प्रीति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और यहाँ पर हमारे जितने हमारे ऑडियंस हैं हमारे भारतीय हैं उनको सबको मेरा सलाम नमस्कार। Yeah, that's good.